हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये मसाला येलो राइस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। तो देखिए मैंने किन किन चीज़ों को लिया है मसाला येलो राइस बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है टमाटर, एक है बारीक कटा हुआ, एक प्याज है बारीक कटा हुआ, और ये 1 कप मटर है हरी, और ये एक आलू है बारीक कटा हुआ, और ये 2 कप चावल है जिनको मैंने भिगो के रख लिया है। 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो गैस अब मैं बताने जा रही हूँ कि मैंने किन किन मसालों को यूज़ किया है। तो ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, और ये आधे से भी छोटा चम्मच जीरा लिया है मैंने। इसमें मैं हींग भी यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने कुकर ले लिया है और अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ। कुकर गर्म होने के बाद इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। आप मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं या घी में भी आप बना सकते हैं, देसी घी में भी, या आपकी चॉइस है जैसे जिस तरीके से आप खाना चाहते हो। तो तेल हो गया है और अब इसमें मैं ये हींग डाल रही हूँ। तो देखिए 1 चुटकी मैंने हींग ले ली है, इसे भी मैंने डाल दिया है। और अब ये जीरा लिया था इसको भी मैं डाल रही हूँ। जीरा भुनने के बाद सारे मसाले मैं इसमें अब डालने जा रही हूँ। तो ये देखिए जीरा अच्छे से भुन गया है, और ये जो मैंने प्याज काटा हुआ था अब उसे डाल लें। और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक, मतलब ब्राउन होने तक इसको ऐसे ही भूनना है। गैस मीडियम ही रखें, तेज़ नहीं रखें, नहीं तो जो प्याज है और जीरा ये सब जल जाएगा। तो ये देखिए जो प्याज है वो हल्का ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले अपने यूज़ करने। तो अब इसमें धनिया पाउडर डाल लें और ये हल्दी डाल लें और ये लाल मिर्च डाल लें। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसे अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो तीखा, और कम खाना चाहते हैं तो कम डाल सकते हैं। और लास्ट में मैंने डाला है सब्जी मसाला। सब्जी मसाला भी डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे कि जो मसाला है वो जलेगा। और अब लास्ट में इसमें जो टमाटर है उसे डाल लें। और इसमें मैं आधा छोटे से भी चम्मच, मतलब आधा चम्मच से भी थोड़ा मैं नमक डाल रही हूँ जिससे टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। और अब बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इनको, टमाटर और मसाले को आपस में मिलने तक इनको भूनना है जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। और ढककर मैंने ढक दिया है, तो मैंने ढक्कन इसे हटा दिया है। और ये देखिए टमाटर हैं वो भी गल गए हैं और जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन चुका है और मसालों ने तेल छोड़ दिया है। तो इसका मतलब मसाला वो बन के तैयार है, मतलब भुन के तैयार है। और ये देखिए अब सारी चीज़ों को मैं कुकर में डाल रही हूँ, मटर, आलू और चावल। तो ये देखिए सारी चीज़ों को आपस में मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, ये मेरा आधा गिलास पानी था और आधा गिलास मैं और ले रही हूँ पानी। तो ये देखिए मैंने आधा गिलास और पानी इसमें डाल दिया है।
एक बार मैंने फिर से चला दिया है आपस में, जिससे कि जो चावल हैं वो पानी में मतलब कि मिल जाए। और अब बस लास्ट में सबसे मेन चीज़ है नमक, तो अब मैं नमक डाल रही हूँ। नमक ध्यान से डालें क्योंकि टमाटर पकाते टाइम नमक यूज़ किया हुआ है, तो हिसाब से नमक डालें। बस अब सारी चीज़ों को एक बार फिर अच्छे से मिक्स करते हुए मिलाना है। बस अब मैं इसमें इसका ढक्कन जो है उसे बंद कर रही हूँ और 2 सीटी आने तक इसे पकाना है। ये देखिए मैंने ढक्कन जो है उसे बंद कर दिया है और गैस मैंने मीडियम ही रखी है। तो 2 सीटी आ चुकी हैं और इनकी भाप निकल गई है। और अब देखिए मैंने ढक्कन है उसे खोल दिया है, तो आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली सी हमारा मसाला येलो राइस बनकर तैयार है और वेजिस सारे कितने खिल के ऊपर आ गए हैं। तो ये देखिए एक एक चावल अलग है। अब हल्के हाथों से सारी चीज़ों को मैं मिला रही हूँ, जिससे कि जो चावल मतलब वेजिटेबल्स थे वो ऊपर आ गए, सारे मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारी मसाला येलो राइस बनकर तैयार है और इसके ऊपर मैंने घी भी डाला है, देसी घी डाला है। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, खा के ज़रूर देखिएगा और सभी खाते भी होंगे। और ये मैंने नीचे टमाटर ले लिया है और प्याज है और आम का अचार है। आप इसे दही पापड़ किसी के साथ भी खा सकते हैं, तो आप भी बनाइए और खाइए और एंजॉय करिए और बताइए रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोग को एक नए ब्लॉग के साथ। तो ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा।